अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है संडे व्लॉग। संडे को सब जो है वो आउटिंग पे जाते हैं, तो हम भी थोड़ी देर के लिए आउटिंग पे गए थे और वेदर जो है वो काफी अच्छा हो रहा था। जी तो संडे वाले दिन हमने बनाए थे आलू बैंगन, जिसके लिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और स्पाइस ऐड करके तो इसमें जो है वो सब्जी डाल दी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एंड पे जो है वो ढक्कन लगा देंगे। सालन हमारा रेडी है, इसमें हम एंड पे ग्रीन चिली और कोरिएंडर जो है वो शामिल कर देंगे। इसके अलावा सूखी मेथी भी अक्सर लोग डालते हैं, वो भी उसकी खुशबू जो है वो मज़े की लगती है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। गरम मसाला, ये चीज़ें हम एंड पे शामिल करेंगे। रात को हमने जो है वो स्टेक्स बनाई थी। स्टेक्स के लिए मैंने स्टेक मसाला ले लिया था और लेमन में इसको ऐड करके तो वो अप्लाई कर दिया था इनके ऊपर। पहले से भी ये थोड़े मैरिनेट थे जहाँ से लेकर आए थे, तो इसलिए मैंने इसको एक मैरिनेशन ये की थी और दूसरी जो है दही में मैंने रेड चिली कोरिएंडर पाउडर और सूखी मेथी और थोड़ा सा नमक ऐड करके तो वो अप्लाई किया था इसके ऊपर। थोड़ा स्पाइस जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइस तो ऐड कर सकते हैं जी। और एक घंटे तक इसको मैंने मैरिनेट करके जो रखा था वो एक घंटा टाइम था जी। और अभी हम फोलियो पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर मैंने पोटैटो डाले थे, आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, कैप्सिकम या जो भी आपको पसंद हो। आलूओं के ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था ताकि ये चटपटे बने। अब इसको हम ओवन में रख देंगे, ओवन पहले से प्रीहीट कर लेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने इनकी साइड चेंज की थी क्योंकि दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाए। कर लेते हैं ताकि डेकोरेट कर सके, तो उसके लिए मैंने टमाटर और कुकम्बर लिया था। चॉप्स हमारी रेडी थी लेकिन बाहर काफ़ी अंधेरा था बादलों की वजह से, इसलिए बिल्कुल भी क्लियर वीडियो नहीं बन रही थी। फिर मैंने जो है वो लाइट ऑन करके दूसरे सेल की तो फिर मैंने बनाई तो कुछ दिखने के काबिल हो गई थी जी। तो उम्मीद है आपको मेरी जो रेसिपी है और आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग जो है आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें।
को दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।